दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। आज वर्तमान में वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है जो कि एक रहस्य के रूप में है। आज लोगों के दिल और मस्तिष्क में एलियन को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर आधारित कई फिल्में भी बनी जो लोगों को बताती है कि एलियन किस तरह होता है, कैसे दिखता है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मतलब कई तरह के विचार जब हम एलियन के बारे में सोचते हैं उसको फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है। एलियन का मतलब एक ऐसा प्राणी जो कि दूसरे ग्रहों का प्राणी है। आज इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि वास्तव में एलियन होता है और वह दूसरे ग्रह यानी कि पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा ग्रह है जहाँ एलियन रहते हैं, लेकिन अभी भी एलियन से जुड़े सच का रहस्य बना हुआ है। हाल ही में भारत के छत्तीसगढ़ के सिरपुर में एलियन के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर अमेरिका की एशियाई एलियन की टीम पहुंची थी। यह टीम ऐसे ही रहस्यों को खंगालने और उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखाने वाली टीम है। इस टीम के मुख्य पुरातत्वविद और पुरातत्व सलाहकार पद्मश्री डॉ अरुण शर्मा के नेतृत्व में सिरपुर में शूटिंग की। जब पश्चिम देशों के वैज्ञानिक सिरपुर आए तब कई वर्षों पुरानी कुछ मूर्तियों को दिखाया गया तो वे भी मूर्ति देखकर दंग रह गए थे। आपको बता दें कि हाल ही में रायसेन के पास मिले कुछ ऐसे शैलचित्र के को देखकर दावा किया गया था कि नर्मदा नदी के तट पर एलियन सैर करने आते हैं। साथ ही यहां पर कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले हैं जी से लेकर वैज्ञानिकों में रहस्य बना हुआ। यहां की स्थिति के देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस नदी के किनारे दूसरे ग्रहों के प्राणी मतलब कि एलियन यहां आते हैं और सैर करते हैं। साथ ही इस नदी के पास एक आकृति दिखाई दी जिसके सिर एलियन जैसा बताया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए।